चलिए, सबसे पहली बात जो आज मैं आपको समझाने जा रहा हूं, ठीक है, वो यही है कि आज का जो सवाल है वो मिक्सचर का है, मिक्सचर मिश्रण का। आपने उसको कई बार एग्जाम में देखा भी होगा, हो सकता है कि आपने एग्जाम में छोड़ भी दिया हो कि नहीं यार ये मुझसे नहीं हो पाएगा। ठीक है, कुछ इस तरह के सवाल हैं जो बहुत आसान तरीके से हो सकते हैं अगर हमें कंसेप्ट पता है, अगर हमें उसके बारे में नॉलेज है कि होगा कैसे ये। ठीक है, और एक चीज और भी मैं आपको यही कहना चाह रहा हूं कि जो मैथमेटिक्स है वो रियल लाइफ है। ठीक है, और ये मेरा कंसेप्ट भी है, ये मेरी सोच भी है, और मैं जब भी कभी आपको कोई कंसेप्ट देता हूं तो उसको रियल लाइफ से कनेक्ट करने की कोशिश हमेशा मेरी रहती है, जो कि होता ही है रियल लाइफ। ठीक है, आपको ये धीरे धीरे और क्लियर हो जाएगा जैसे जैसे आप क्लास लेंगे, जैसे जैसे आप समझेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि मैथमेटिक्स रियल लाइफ रियल में है, इसमें कोई अलग बात है ही नहीं, है ना। हम तो जी रहे थे बस, हम उसको कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे कि हाँ ये तो हमारी लाइफ से ही कनेक्टेड है। जैसे एक दिन चाचा जी ने मुझे अपने पास बुलाया, ठीक है, आप चाचा जी को जानने लगे होंगे अब तक, तो इसमें उनके पास दूध और पानी के दो मिश्रण थे, एक मिश्रण ए और एक मिश्रण बी। ठीक है, ये दो मिश्रण है उनके पास, है ना, उनकी दूध की दुकान है। ठीक है, तो ए मिश्रण में जो दूध और पानी है उसका रेशो 2:1 है। ठीक है, और इसी तरह से जो दूसरा मिश्रण है उसमें दूध और पानी का रेशो 3:2 है। ठीक है, चाचा जी ने मुझे कहा कि अगर मैं इन दोनों मिश्रण को ऐड करूं, अगर मैं इन दोनों मिश्रण को एक दूसरे में मिला दूं, ठीक है, तो चाचा जी ने मुझसे ये पूछा है कि जो फाइनल मिश्रण बनेगा उसमें दूध और पानी का रेशो क्या होगा, अनुपात क्या होगा। आपको ये बताना है कि रेशो क्या होगा, अनुपात क्या होगा, जल्दी से आप बताइए, सोचिए, थोड़ा थोड़ा ध्यान से आप इसको सोचिए। हमारे पास दो मिश्रण हैं ए और बी। ठीक है, ए में दूध और पानी का रेशो क्या है, 2:1 है, बी में क्या है, 3:2 है। आपने दोनों को मिक्स किया, ठीक है, और आपसे ये पूछा जा रहा है कि जो फाइनल मिश्रण बनेगा उसमें दूध और पानी कितना होगा, आपसे ये पूछा जा रहा है। चलिए, ये सवाल है। अब जैसे ये सवाल मुझसे चाचा जी ने पूछा, मैंने यहां पर दो बातें कही। सबसे पहली बात कि क्या ये दोनों मिश्रण की जो क्वांटिटी है वो आप बराबर मिक्स कर रहे हैं? उन्होंने कहा हाँ हम बराबर मिक्स कर रहे हैं। ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है। अब कई लोग कह रहे हैं कि 5:3 हो जाएगा, कई लोग ये कह रहे हैं कि सिंपली एक काम करो, इनको जोड़ दो, 2 और 3 5, 1 और 2 3। क्या हम ऐसे जोड़ सकते हैं? आपको क्या लगता है, येस और नो? आपको क्या लगता है, क्या हमें इनको जोड़ देना चाहिए? ये बताओ, आपको क्या लगता है, ए एंड बी आर इन इक्वल क्वांटिटी, इन इक्वल क्वांटिटी, ठीक है, ये क्या है, इक्वल क्वांटिटी में, बताइए, क्या हम इनको ऐसे जोड़ सकते हैं? कभी भी नहीं, हम इनको ऐसे जोड़ ही नहीं सकते। ठीक है, ये ध्यान रखना। सबसे पहली बात, आप इनको जोड़िए, ये क्या है 3 और ये क्या है 5, इनको देखते हैं। आपको सबसे पहले इनकी क्वांटिटी को बराबर करना है, ये इसको बराबर करना, समझ गए? इसको कैसे बराबर करेंगे आप, बहुत ध्यान से आप समझना, इसको कैसे बराबर करेंगे 3 और 5 को, और क्यों बराबर करेंगे? क्योंकि क्वेश्चन में कहा है कि ए और बी बोथ आर इन इक्वल क्वांटिटी। ठीक है, तो इसको बराबर करने के लिए 5 से गुना कर देंगे, इसको 3 से गुना कर देंगे, ये क्या होगा 5 * 15, और ये भी क्या होगा 5 * 15। ठीक है, अब इसको 5 से गुना करो, 5 * 2 = 10, और ये 5, इसको 3 से गुना करो, 3 * 3 = 9 और 3 * 2 = 6, तो ये क्या होगा 19 और 11, तो ये 19 और 11 का अनुपात होगा। 19 और 11 का अनुपात ही क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। फिर से आप मेरी बात को समझेंगे, फिर से आपको समझा रहा हूं, ये क्या होगा 5 * 3 = 15, 5 * 2 = 10, 5 को 1 से किया तो 5, 3 * 5 = 15, 3 * 3 = 9 और 3 * 2 = 6, तो 10 और 9 19, 5 और 6 = 11,
तो 19 और 11 का रेशो क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है, 19 और 11 का रेशो क्या है? परम सत्य है। तो हो सकता है कि आपने ये पहले ना पढ़ा हो, इसलिए आप सभी गलत भी आंसर कर रहे हैं। ठीक है, ये 3:1 किसका आइडिया था भाई? ठीक है, जो सब उसके पीछे लग गए हैं। ठीक है, चाचा जी को मार पड़वा दोगे तुम। ठीक है, चलिए देखिए इसको समझते हैं अब इसमें क्या कह रहा है। अब ध्यान से एक चीज और कैच करना, थोड़ा और समझना। ये तो तब है जब इसकी इक्वल क्वांटिटी को लिया गया है। ठीक है, ये तो तब है जब इसकी इक्वल क्वांटिटी को आपने मिक्स किया है। ठीक है, अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और सीखते हैं। मान लेते हैं कि आपकी दूध की दुकान है। ठीक है, और मेरे मान लेते हैं मेरे चाचा जी की है। ठीक है, ये मान लेते हैं उनकी दूध की दुकान है। ठीक है, अब दूध की दुकान पे क्या होता है, अलग अलग दूध बेचने वाले इकट्ठा दूध डाल जाते हैं वहां पर, यही होता है। अब मान लो दो मेंबर आए, दो बंदे आए, एक आया ए और एक आया बी। ठीक है, जो ए के पास दूध था उसने दूध और पानी का रेशो था 2:1 ही लेते हैं, पर जो दूसरे वाला बंदा था इसके पास था 3:1 था, चलो ये लेते हैं। ठीक है, अभी आप समझना कि इसमें क्या कह रहा है। हाँ जी, अब इसमें क्या हो रहा है कि ए और बी की क्वांटिटी मिक्स नहीं है। ठीक है, सॉरी बराबर नहीं है, ए और बी की क्वांटिटी बराबर नहीं है। इन्होंने क्या कहा है, सबसे पहली बात तो आपको यहां पर इन्होंने कहा है कि ए और बी की क्वांटिटी बराबर नहीं है, ए और बी को 2:1 में मिक्स किया गया है। यानी कि अगर दो बाल्टी दूध एक ए वाले से लिया गया है तो एक बाल्टी दूध बी वाले से लिया गया है, ये क्लियर है, इस बात को आप समझे। ठीक है, तो इसमें देखना आप इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले तो इनकी क्वांटिटी को बराबर करो, कैसे करोगे, 4 से गुना और 3 से गुना, फिर इसके बाद ऊपर वाले को 2 से गुना कर दो और नीचे वाले को 1 से गुना कर दो। सिंपली 4 × 2 = 8, तो 8 × 2 = 16 और ये 8 हो जाएगा, 3 × 3 = 9 और ये 3 हो जाएगा, ये कितना होगा 25 और ये कितना होगा 11, तो 25:11 हमारा आंसर यही है। बहुत आराम से समझो इस कंसेप्ट को। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इनकी क्वांटिटी को बराबर करेंगे, उसके बाद जो भी रेशो है उससे गुना कर देंगे, 2 से ऊपर 1 से नीचे, तो फाइनली रेशो क्या बन जाएगा, 25:11 बन जाएगा। एक चीज और भी देखो आप, जैसे हमने देखो हमने किया 4 × 8 = 24 और 4 × 3 = 12, तो फाइनली ये रेशो क्या बन रहा है, 2:1 बन रहा है ना, ए और बी 2:1 में जाकर मिक्स हो गए। समझे कि नहीं समझे? ठीक है, तो इसी तरह से आपको करना है। अभी हम इस पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, आपको और भी क्लैरिटी होगी। ध्यान से देखना, सबसे पहला सवाल आपके सामने ही है, एसएससी जीडी 2023 का सवाल है, लेटेस्ट सवाल है, नया सवाल है। देखो इसको ध्यान से देखना, इसमें इन्होंने क्या कहा है कि दूध और पानी है। ठीक है, दूध और पानी का रेशो क्या है, 4:1 है। ठीक है, और इसमें क्या है, 7:2 है। ठीक है, इन्होंने क्या कहा कि इस थोड़ा सा इस तरफ कर रहा हूं इसको ताकि कैलकुलेशन वहां पर आसानी से हो जाए। यहां पर क्या है, दूध और पानी है। ठीक है, किस रेशो में है, 4:1 में है। किस रेशो में है, 7:2 में है। ये 5 है, ये 9 है। आप देखना, सबसे पहले इसकी क्वांटिटी को बराबर करो, फिर 1 से गुना करोगे और 5 से गुना। सिंपल, 1 और 5 से गुना क्यों किया है, क्योंकि 1:5 में मिक्स किया है। 1 और 5 से गुना क्यों किया है, क्योंकि 1:5 में मिक्स किया है। अब देखना, 9 × 4 = 36 और ये 9 है ना, सॉरी 9 × 9 = 45 बन रहा है, या फिर काम करते हैं, अच्छा हाँ ठीक है, 9 × 4 = 36 और ये 9 है, और 5 × 5 = 25। ठीक है, हम इसको 25 से गुना कर रहे हैं। ठीक है, 5 × 5 = 25, हमने 25 × 2 किया तो 50 और रेशो, और इसी तरह से 25 × 7 = 35, 3 कैरी और 7 × 14 = 3 = 17, हमने इसको जोड़ा, 5 × 6 = 11, 1 कैरी, यानी कि 211 और 59। ठीक है, यही होगा,
211 and 59, ऑप्शन ए, ए इज द राइट आंसर। पर एक चीज और समझना, इसमें ए नहीं उत्तर होगा, पता क्यों? इसमें इन्होंने क्या कहा है, वॉटर एंड मिल्क का रेशो, पानी और दूध का अनुपात। ये तो दूध और पानी का हुआ, हमसे क्या पूछा गया, पानी को पहले रखो और दूध को बाद में रखो। ये भी चलाकी कर जाता है ये कभी कभी, तो इसको भी ध्यान रखना कि पूछा क्या गया है। इस तरह से क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, इन्होंने कहा है कि पानी को पहले रखो जबकि हमने दूध को पहले रख रखा है, समझ गए? तो इसलिए इस छोटे से पॉइंट का जरूर ध्यान रखना, इसमें गलती होने की बहुत ज्यादा संभावना रहती है, इसलिए ऑप्शन बी क्या है बिल्कुल सही उत्तर है, इसलिए ऑप्शन बी क्या है परम सत्य है। सबको क्लियर है? अब ये पॉइंट सभी को क्लियर हो गया। चलिए देखो, अब इसका उत्तर आप करके दिखाओ, जल्दी से करना, जल्दी से करिए इसका आंसर आप। हां जी कोई बात नहीं, जिनको नहीं समझ आया अभी समझ आ जाएगा। यहां पर देखना, इन्होंने क्या कहा है कि एसिड और वॉटर है, समझो ध्यान से, क्या है एसिड और वॉटर है, ठीक है, रेशो क्या है 2:7 है, रेशो क्या है 4:5 है, ठीक है, आगे बढ़ो। इन्होंने क्या कहा कि इसका जोड़ क्या है 9 और इसका जोड़ क्या है 9। अब इनका तो जोड़ ही बराबर है, ठीक है, अगर जोड़ बराबर है तो फिर ठीक है, अगर जोड़ ना बराबर होता तो हम जोड़ को बराबर करते। अब इन्होंने कहा कि इनको 4:3 में मिक्स किया गया, 4:3 में, यानी कि इसको 4 से गुना, इसको 3 से गुना, 4 से गुना करेंगे 4 × 2 = 8, 7 × 4 = 28, 3 से गुना करेंगे 4 × 3 = 12 और 3 × 5 = 15, ठीक है। तो आप इसके जोड़ को देखेंगे, 12 और 8 = 20, 8 और 5 = 13 और 1 carry = 43, तो 20:43 क्या है बिल्कुल सही है, 20:43 क्या है परम सत्य। सबको क्लियर? एक बार फिर से समझो, फिर से कह रहा हूं, ठीक है, हमने देखा कि जोड़ तो बराबर है, ठीक है, किस रेशो में मिक्स किया है, 4:3 में मिक्स किया है, 4:3 में, ठीक है, 4:3 में मिक्स किया है, 4:3 में, अगर 4:3 में मिक्स किया है तो ऊपर वाले को 4 से गुना और नीचे वाले को 3 से गुना कर दिया, जैसे हमने किया हमारे पास ये आया और जोड़ दिया, जोड़कर क्या आ गया 20:43 आ गया, ऑप्शन बी, बी क्या है बिल्कुल सही उत्तर है, बी क्या है परम सत्य है। क्लियर है? अब ये किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है इस तरह के सवाल करने में, ठीक है। देखो अब देखो, इससे बहुत बड़े बड़े सवाल भी सोल्व होंगे, देखना, अगर ऐसे ही 3 मिश्रण हो, 3 भी तो हो सकते हैं, ये जरूरी नहीं है कि 2 ही हो, 3 भी हो सकते हैं, ठीक है। अब अगर ऐसे ही 3 मिश्रण हो, ठीक है, तो आपको देखना है, आईबी के पेपर का सवाल है, आईबी में पूछा गया था, इन्होंने कहा कि 3 कंटेनर का आयतन है ये, 4, 5, 6, ठीक है, इसमें पेट्रोल और मिट्टी का तेल है, ठीक है, इसमें क्या है हमारे पास पेट्रोल और केरोसिन है, हमने लिखा पेट्रोल और केरोसिन, हमारे पास इसका रेशो क्या है 3:1, 3:2 और 5:1, इसका रेशो यही है, ठीक है। हमने देखा कि इसका जोड़ क्या है 4, इसका जोड़ क्या है 5 और इसका जोड़ क्या है 6, ठीक है री। अब एक काम और करो, सबसे पहले इसका एलसीएम ले लो, 4, 5, 6 का एलसीएम क्या होगा 60 होगा, यानी कि हमें इनको 60-60 तो बनाना ही पड़ेगा। ये 60 कैसे बनेगा 15 से गुना करके, ये कैसे बनेगा 12 से गुना करके और ये कैसे बनेगा 10 से गुना करके। सबको क्लियर है ये बात, पहले बताओ यहां तक ये सभी को क्लियर है? आपको क्या करना है, इसका एलसीएम ले लेना है, 4, 5, 6 का एलसीएम क्या है 60 है, अगर हमने इसको 60 बनाना है तो 15 से गुना कर देंगे, इसको बनाना है तो 12 से कर देंगे, इसको बनाना है तो 10 से कर देंगे। पर उससे भी बढ़िया बात हो रही है एक, पते क्या, इसको हटाओ, इसकी जरूरत ही नहीं है अभी, पते क्यों, क्योंकि इसका जोड़ क्या है 4, इसका 5, इसका 6 और हमें मिक्स भी करना था 4, 5, 6 में ही, हमें मिक्स भी तो 4, 5, 6 में ही करना था, वो तो हम तब करते जब ये 4, 5, 6 में ना होता, तो बस अब इनको सीधा सीधा जोड़ दो, तो ये 4 होगा।
इसको भी जोड़ोगे तो ये 11 होगा। तो आंसर क्या है 11:4 ऑप्शन डी। डी क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है। डी क्या है? परम सत्य है। समझे आप मेरी बात? क्या आप मेरी बात को समझ गए? ठीक है, बहुत ही ध्यान से आप समझो। हमें इनको 4, 5, 6 के रेशो में मिक्स करना था और इनका जोड़ 4, 5, 6 बन रहा है। ठीक है जी, तो हमें ये बात क्लियर हो गई है कि इनका जोड़ 4, 5, 6 बन ही रहा है, फिर इनको बनाने की जरूरत ही क्या है। अगर इनका जोड़ 4, 5, 6 ना बन रहा होता, ठीक है, तो हम इसको वैसा करते। ठीक है, अब देखो जैसे ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आपने करके लेकर आना है। ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, ठीक है भाई, समझ गए अब आप इसको। ठीक है, कह रहे 4 और 3 कैसे आया? 4 और 3 कौन सा? कौन ये वाला? ये दे रखा है ना कि 4:3 में मिक्स किया है ना, ये मिक्सिंग का रेशो है ना, इसलिए 4 और 3 से गुना किया है। ठीक है, आराम से समझो पूरा कंसेप्ट। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आपको घर के लिए दे रहा हूं। और हाँ, सभी साथी सेशन को लाइक जरूर कर देना, शेयर भी जरूर कर देना अपने दोस्तों के साथ। ऐसे ही मैं डेली, हाँ, आपको ये कंसेप्ट डेली बताता हूं और डेली हमारी ये सेशन चलता है। एक चीज और, एसएससी, रेलवे, यूपीएसआई और पुलिस एग्जाम्स के लिए आपके लिए मैं अभिनंदन 7.0 बैच को लेकर आ चुका हूं। अभिनंदन 7.0 हमारा मैथ स्पेशल बैच है। ठीक है, और ये बैच आपकी क्लासेज इसमें जल्दी ही शुरू होने वाली है। इसमें हमने ऑफर दिया हुआ है, अगर आप इसी तरह से सभी कंसेप्ट को बेसिक से कवर करना चाहते हैं, अच्छे से आप समझना चाहते हैं, तो आप इस बैच को Y761 कूपन कोड लगाकर, ठीक है, 642 रुपए में आप ज्वाइन कर सकते हैं 642 में। ठीक है, और इसमें आपको चैप्टर वाइज क्लासेस मिलने वाली है। एर्थमेटिक से हम इसको शुरू करेंगे, फिर एडवांस पर लेकर जाएंगे। 31 जुलाई तक आपको ये ऑफर अवेलेबल है, जिसमें 642 रुपए में आप इससे जुड़ सकते हैं। उसके बाद हम प्राइस को बढ़ा देंगे और ये इसमें लाइव क्लासेज आपकी चलने वाली है, क्वेश्चन पीडीएफ, क्लास पीडीएफ ये मिलने वाली है, बेसिक टू एडवांस लेवल रहेगा, मॉक टेस्ट भी आपको मिलेंगे और लाइव डाउट रूम भी रहेगा। और ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है अगर आप कोई भी जानकारी यहां से चाहते हैं। और इसी के साथ साथ ये भी मैं आपको कहूंगा कि ये बैच आपकी लाइफ को चेंज करने वाला बैच रहेगा। मैथमेटिक्स को आप रियल लाइफ से कैसे कनेक्ट कर सकते हैं ये आपको देखने को मिलेगा। अड्डा 24/7 के स्टोर पर ये बैच उपलब्ध है, जहां पर जाकर आप किसी भी कोर्स में देखेंगे तो आपको ये बैच वहां पर देखने को मिल जाएगा। इसी के साथ मैं आपको ये भी बता देना चाह रहा हूं, आज मैंने एक सेशन एसएससी सीपीओ के ऊपर भी रखा है कि जो सीपीओ दरोगा बैच हमारा आने वाला है उसमें आपको किस तरह की क्लासेस मिलेंगी, और सीपीओ दरोगा बैच में आपको पूरी जानकारी देने वाला हूं। ठीक है, हमारा जो सीपीओ का दरोगा बैच है उसकी पूरी जानकारी मैं आपको यहां पर प्रोवाइड करवाने वाला हूं। यहीं पर था वो सेशन का, ये रहा एसएससी सीपीओ 2023 दरोगा बैच, आज से क्लासेस शुरू, कौन से टीचर रहेंगे, क्या टाइम टेबल रहेगा, इसके ऊपर भी मैं चर्चा करूंगा। तो सभी इस सेशन में अभी आ रहिए, अभी हम इसको लाइव करने वाले हैं। ठीक है, तो और मेरी क्लासेस डेली सुबह 9 बजे और रात को 8 बजे भी चलती हैं, तो उन क्लासेस में भी आइए और अपनी मतलब मैथमेटिक्स को और आसान कीजिए। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन फिर यहीं तक। मस्त रहिए, खुश रहिए, बिंदास रहिए, हाँ जी, और उसी के साथ आगे बढ़ते रहिए। ठीक है भाई, अभी सीपीओ वाले बैच में इसमें आपको सीपीओ के बारे में जानकारी भी दूंगा। इसी के साथ चलते हैं यहां पर, ऑफलाइन कमेंट जरूर करिएगा, सेशन कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा, आंसर क्या है। जय हिंद, जय